अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, सर्दी मना रहे होंगे। और जो अब्रॉड में रहते हैं वहाँ तो बहुत सर्दियाँ पड़ रही हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका और डिफरेंट कंट्रीज़। और मेरे यहाँ भी सर्दी है काफ़ी, और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगती। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर नहीं करती क्योंकि मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। हाँ, नॉर्मल जैकेट वगैरह पहनती हूँ। और जैसे कि अभी बारिश हो रही है तो सर को कवर किया, टोपी लिया, और फिर भी आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ, आपसे थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी सी बातें करने के लिए। सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए। और इस रास्ते को तो आप जानते होंगे, मेरी एक दो वीडियोस में पहले देख चुके होंगे। जी बिल्कुल, ये है मलाइका के किंडरगार्टन का रास्ता। मैं उसको लेने जा रही हूँ अभी। और अभी जब मैं घर से निकली तो मैंने देखा बाहर दरवाज़ा खोला तो बारिश हो रही थी जब मैं इधर बाहर निकली हूँ। तो मैं वापस जा रही थी, मैंने सोचा मलाइका के लिए अम्ब्रेला ले लूँ या प्राम ले लूँ। लेकिन फिर दोबारा से लिफ्ट खुल गई और मुझे ख्याल आया कि नहीं, उसको थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके पास टोपी है, जैकेट है, वो पैदल ही आए तो बेहतर है। सो अम्ब्रेला का होना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन मैं ऑलरेडी लेट हो रही थी और इतनी बारिश तेज़ नहीं थी। फिर मुझे ख्याल आया कि प्राम का क्या करना है, बड़ी हो रही है वो, उसको इतना स्ट्रॉन्ग अब होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जैसी आदत डालूंगी वैसी ले लेगी। और यहाँ पे बच्चों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हमें दिल तो चाहता है माओ का, क्योंकि मदर्स बच्चों की बहुत केयर करती हैं, दिल चाहता है कि हर कंफर्ट दें अपने बच्चे को। तो मैं कह रही थी हर माँ का दिल चाहता है अपने बच्चे को जितना वो कम्फर्ट दे सके, लेकिन यहाँ स्पेशली अब्रॉड में, पाकिस्तान वगैरह में तो ये होता है ना कि चलो बच्चे को पिक एंड ड्रॉप है, किसी ने फादर ने छोड़ दिया, किसी ने ले लिया, या फिर मोस्टली बच्चे वैंस पे जाते हैं, वैंस पे आते हैं। यहाँ आपको गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश, तूफान, दी अपने बच्चे को छोड़ने बहुत रेयरली चांसेस होते हैं। शायद और किसी कंट्रीज में हो, मुझे नहीं पता, कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी हो। यहाँ बहुत कम है, शायद 2% हो, लेकिन वो भी मैंने किसी को नहीं देखा है कि किसी के बच्चे वैन वगैरह में जाते हों। तो यहाँ खुद ही बच्चों को छोड़ना और लाना होता है। अब जैसे कि देख रहे हैं इतनी बारिश बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन है, मोबाइल में इस टाइम फील नहीं हो रही होगी। तो मैंने सोचा कि नहीं, कल को उसको जब खुद ही करना है, यहाँ पे तो मौसम भी ऐसा होता है, फिर उसको आना जाना खुद ही होगा, खुद ही करना होगा, जब बड़ी हो जाएगी खुद ही जाएगी। तो उसको अभी से इतना होना चाहिए, अगर मैं अभी से उसको इतना सोल बना दूंगी कि नहीं नहीं अब माशाल्लाह वो 4 ईयर्स की होगी, अगर अभी भी मैं उसको कहूँगी अच्छा प्राम में बैठ जाओ, तो फिर उसको वैसी ही आदतें पड़ेंगी, बिकॉज़ अब वो प्राम में नहीं बैठती है। लेकिन अभी मैंने पाकिस्तान जाने से पहले सोचा था उसकी प्राम फोल्ड करके रख दूँ, लेकिन वो अभी भी वहीं पड़ी है। सो बस ये बातें हैं कि थोड़ा सा हमें अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और आई थिंक मुझे भी अभी इसमें बहुत एफर्ट की ज़रूरत है। मेरे कोई पहले बच्चे नहीं है, शी इज़ माई फर्स्ट बेबी, और मुझे खुद को भी स्ट्रॉन्ग बनना है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बिकॉज खुद का बंदा होता ना, ये सुबह उठा नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन जब बच्चों को टाइम देना है तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। और बच्चों को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं अपने आप को। हमें देखना पड़ता है नहीं नहीं ठीक है, अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब जैसे मैं कह रही हूँ कि नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम, चले वो और घर तक जाए खुद ही चल के, जैकेट है, टोपी है, सोर्स ओके। और ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आपको, सोचा थोड़ी सी बातें कर लूँ। और किंडर गार्डन आ गया है, थोड़ी सी आपको झलक दिखाती हूँ और फिर मैं आपको करूँगी बाय बाय। तो अभी चलते हैं किंडर गार्डन के अंदर, उन्होंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है क्रिसमस की वजह से, सोचा आपको दिखा दूं। जी तो आज का व्लॉग था यही तक, थोड़ी सी आपसे बात करनी थी। मलाइका तो हमने ले लिया है, ये है मलाइका।
रहे हैं घर को। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।